हेलो शाक्स, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी हो, मैं भी स्टाइल से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। आज सॉरी, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप इफ यू लाइक। हेलो शाक्स, हेलो, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और सबको हीरो बनना है। अगर आप किसी से भी पूछो कि आपकी ड्रीम कार क्या है तो सब बोलेंगे मर्सिडीज, BMW, महिंद्रा थार, फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी, बट वो अफोर्ड कर पाते हैं एक बेसिक कार। That's right. अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड लग्जरी कार भी कर पाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि उस गाड़ी को वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। एंड रेंटल कार के ऑप्शंस को देखें तो रेंटल कार इंडिया में काफ़ी महंगे हैं और क्वालिटी भी काफ़ी पुअर है। इन तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्रोराटा। प्रोराटा दुनिया का पहला फ्रैक्शनल कार ओनरशिप प्लेटफॉर्म है जहाँ आप 8.33% पर अपनी ड्रीम कार को को-ओन कर सकते हैं। प्रोराटा ऐप का एल्गोरिदम आपको अपने एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट करता है जिनका मैचिंग इंटरेस्ट हो आपकी ड्रीम कार में, और हम फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में आप अपने हिस्से का पेमेंट करके उस ब्रांड न्यू गाड़ी के को ओनर बन सकते हैं। हमारा विजन है प्रोरेटा को एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाना जो एसेट लाइट हो और लोगों के ड्रीम कार के सपने को पूरा कर सके। हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है और 2 लाख से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हो चुकी है। नमस्ते सर, मेरा नाम है संजीव जैन, मैं आया हूँ बैंगलोर से। मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एंड CEO ऑफ प्रोराटा कार, एंड मेरी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी ऑफ माई कंपनी। तो शार्प, जोड़िए लग्जरी कार से नाता, ओनली विथ प्रोराटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनरली स्पीकिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप अप्रिशिएटिंग एसेट में होता है। एग्जैक्टली, आपको क्यों लग रहा है कि ये चलेगा? आज भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड है, उसका 8% यानी कि 2 करोड़ हाउस होल्ड के पास आज खुद की गाड़ी है, बट उसका 95% जो है वो 10 लाख के कम की है। और आप उन सबसे पूछो, सबकी ड्रीम कार एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट ऑफ रोड कार है, वो 20 लाख से अबव है। तो मार्केट है ये पता चल गया मेरे को, एस्पिरेशन है, डिमांड है ये पता चल गया, एंड सप्लाई भी है क्योंकि 20 लाख से 4 करोड़ तक आज बहुत सारे ऑप्शन हैं जो 10 साल पहले नहीं। That's right. तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, एक प्लेटफॉर्म की नीड है। यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ROI नहीं देता है बट आपको यूजेस देता है। और इंडिया एक अलग कंट्री है, US, यूरोप, चाइना में आप लीजिंग मॉडल सक्सेसफुल है, रेंटिंग मॉडल सक्सेसफुल है, बट इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट है। यहाँ पे लग्जरी कार बहुत कॉस्टली है ड्यू टू हाई टैक्सेशन। तो यहाँ पे एक अलग इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। एंड इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन है यूज्ड कार, बिकॉज अगर आप किसी और के साथ 4 लोग के साथ गाड़ी शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको यूज्ड हालत में ही मिलती है। तो यूज्ड कार का इतना प्रोलिफिक मार्केट है, वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। यूज्ड कार हो या आपकी नई कार हो, वो आपकी डेली कम्यूट को सॉल्व करता है। आपकी गाड़ी वो रेगुलर यूज होती है, बट हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ओकेजनल नीड है। आप एक बार अपना सोल्यूशन समझाइए, एक एग्जाम्पल देखिए कि क्या कर रहे हैं लोग, कितने खर्चा होता है इसमें, ताकि हम अज्यूम ना करें। आप बताइए। Okay. और इसमें ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि लोग स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे। हाँ, yes, पूरा अपना मॉडल समझा दीजिए विद द ऐप। तो कस्टमर जब यहाँ हमारा लॉगिन करता है और साइन अप करता है तो यहाँ पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं FAQs के तरह। वो ब्राउज कार में जाता है और वहाँ पे मल्टीपल कार के, अपने ड्रीम कार के ऑप्शंस को देखता है, उसकी टिकट प्राइस का कैलकुलेशन चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा थार का ये कार है, 18 लाख की महिंद्रा थार है। ओके, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, 12 टिकट होती है जैसे साल में 12 महीने होते। अच्छा, ओके। 1 टिकट इज इक्वल टू 8.33% शेयर ऑफ द LLP इन विच कार इज रजिस्टर्ड। ओके, इक्वल टू 30 डेज ऑफ यूजेज क्रेडिट। ओके, 5 साल तक 150 दिन कस्टमर यूज करता है गाड़ी को। Okay. 5 साल बाद गाड़ी सेल होकर के रीसेल वैल्यू उसके हाथ में आ जाता है। 1.5 लाख उसने इन्वेस्ट किए और गाड़ी 150 दिन वो यूज करता है तो 1000 रुपीज का उसके कॉस्ट आता है पर डे, 24 आवर ऑफ साइकिल। पर ईयर कुछ खर्चा नहीं, आप 1.5 लाख दे के शेयर खरीदते हो तो आपको आगे कुछ नहीं देना है। आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है प्रोराटा का, वो है 15,000 रुपए, which includes insurance premium payment, car pickup and drop from one partner to another partner, periodic service and maintenance, LLP management। फिर वो इस गाड़ी को अगर अच्छी लगती है तो वो कम्युनिटी प्रोफाइल में ऐड कर देता है। यहाँ पर वो एक कम्युनिटी एक्सेस के लिए 99 रुपीज़ पेमेंट करता है। अच्छा। सो डेट हम एक फिल्ट्रेशन चाहते हैं कि वेरीफाइड कस्टमर आए और 10,000 लोगों ने 99 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी लास्ट 6-7 मंथ्स। हम डेटा देते हैं कि आपका नाम और उनकी ड्रीम कार क्या क्या है। इस डेटा से हम मैच मैकिंग करते हैं, ऐसा ग्रुप कंप्लीट होता है। तो ये होने के बाद फिर हम ऑफलाइन उनको कॉल करके उनके लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, एलएलपी बनाते हैं और एक एस्क्रो मैकेनिज्म से पैसे डीलर के पास जा करके गाड़ी परचेज होकर के डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय होने के बाद एक रिजर्वेशन शेड्यूल हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो 1 साल का कैलेंडर एडवांस देख सकते हैं, आप अपना प्लान कर सकते हैं। वैसे आपकी साइट तो अच्छी है। तो मैं 30 दिन पूरे साल में स्पोरैडिकली कर दिया और लास्ट मिनट को चेंज करना है तो ऊपर नीचे अगर अवेलेबल है। सो रिजर्वेशन और कैंसिलेशन का कुछ लिमिटेशन है, इसको मिसयूज से रोकने के लिए। और फिर अपने क्रेडिट्स भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितने क्रेडिट्स हैं। इसका स्प्लिट भी है वीकेंड्स एंड हॉलीडेज का और वीकडेज का, सो डेट सबको वीकेंड्स एंड हॉलीडेज इक्वल मिले। एक कोनर दूसरे कौन है कोनर पूरा विजिबिलिटी होता है, उन्हें विजिबिलिटी होता है, बट कॉन्टैक्ट एक्सेस हम नहीं देते। बात करने की जरूरत नहीं, हमारा ऐप इज सो पावरफुल टू मैनेज एवरीथिंग। अगर मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने गाड़ी ठोक दी, किसने ठोकी कैसे पता लगेगा? हमारा हर पिकअप एंड ड्रॉप हमारा ड्राइवर करता है और उस समय एक थोरो चेक करके अगर कुछ डैमेजेस है वो क्लिक हो जाती है ड्राइवर ऐप पर एंड वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। और वो पेमेंट कौन करता है उसकी? ओवर एंड अबव इंश्योरेंस क्लेम द पर्सन विल बी लायबल। जनरली आपका यूज केस आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं, इसके अलावा भी 7 से 8 यूज केस हैं। टॉप 2 यूज केसेस बताइए। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो 7 सीटर कार उनको चाहिए ही चाहिए। दिस इज अ ट्रू प्रॉब्लम। शो ऑफ करना एक बहुत बड़ा यूज केस है दिल्ली एनसीआर मार्केट में। हमारे घर से बड़ी हमारी गाड़ी भी हो सकती है कभी-कभी। स्टेटस आपका टाइम फ्रॉम इंटेंट टू परचेस, मतलब आज मैंने आपके ऐप के बारे में सुना, मैं आया, अपना इंटेंट ग्रुप कोशिश की ज्वाइन करने का, उस दिन से परचेस तक कितना समय लगता है? सो ये 60 टू 90 डेज का है, बट फोकसिंग ऑन फ्यू कार्स। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना इस प्लानिंग, आज की डेट में इतनी प्लानिंग कर नहीं पाता इंसान, बिकॉज ऑफिस है, काम है, कब छुट्टी मिलेगी, कब जा पाएंगे। तो isn't that a big challenge for people? So अगर कोई ना कोई बंदा तो यूज करेगा, उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये कोई चैलेंज नहीं है। अगर कोई कारण से उसके क्रेडिट यूजेज पॉइंट यूज नहीं होते हैं वो और किसी के यूज हो जाते हैं, वो सेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में क्रेडिट यूजेज पॉइंट को, एंड उसके कॉस्ट कुछ कम हो सकते हैं। देयर इज 90-80% चांसेस दैट यू विल गेट ऑन योर डेट्स, बिकॉज इट इज आपको पता है कि कितने आपकी ओनरशिप है, कितने आपको यूज हो गए, रादर देन ए मेंबरशिप जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल हो जाता है और आपको मिलती नहीं। भाई साहब, आई एम आउट। आप इंडियन कंज्यूमर को समझे नहीं है। इंडिया में वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, इतना आगे से 30 डेज में कब यूज करूंगी मेरी कार, वो आपके ऐप पे जाके ब्लॉक करो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कल्चर और माइंडसेट इंडिया में है ही नहीं। ये पार्ट ओनरशिप, ये शो ऑफ, ये सब ठीक है, पर जब एक्चुअली एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन आएगा, आप सबसे ज्यादा ना ये स्केड्यूलिंग में पागल हो जाओगे। सो आई एम आउट। बस जल्दी से बता दो आपकी सेल कितनी है अभी तक? अभी हम प्री रिवेन्यू हैं। अच्छा, हमारे पास 100 ऑर्डर्स वेरी गुड बन चुके हैं। आपको अभी ये नहीं पता कि आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। गाड़ी ना मेरे को लगता है बड़ी पर्सनल चीज होती है, जितनी औकात होती है उतने की इंसान गाड़ी खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसको संभालता है, अच्छे से उसको ध्यान रखता है। अगर ये करना होगा तो मैं रेंट पे ले लूंगा या फिर मैं टैक्सी ले लूंगा। तो मुझे ये वाले मॉडल में थोड़े अभी इश्यूज लग रहे हैं। अभी आप भी प्री रेवेन्यू देखिए, आगे बढ़िए, देखते हैं कैसा होता है। अभी मैं आउट। सो संजीव, पहले तो बहुत दिमाग लगा के आपने एक यूनिक दुनिया में पहला बिजनेस मॉडल क्रिएट किया, तो हैट्स ऑफ for thinking differently and really bringing it to life, and name बहुत अच्छा है, ProRata। ये as a consumer के लिए ये एक 10th हैंड या 7th हैंड कार जैसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट है, और मुझे लगता है आपका बिजनेस मॉडल तो है ही नहीं, तो इससे मैं आउट हूँ। बस मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार, मेरे को आप भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि आपने जो नया मॉडल निकाला है और जो आपने ये कमर्शियल थिंकिंग जो है ना, जो आप 100 रुपया फिल्टरिंग का लेते हो, और जो ऐप आपने दिखाया है ना, आई थॉट उसमें बहुत बारीकी से आपने सोचा है। तो एक बिजनेस बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अप्रॉक्सीमेटली आज आप बोल रहे हो आपका मेंटेनेंस बनता है 15,000 रुपया पर टिकट पर ईयर, इसमें आपका मार्जिन कितना बनेगा बन के? तो 15,000 × 12 1,80,000 हमारा ग्रोस रेवेन्यू है। 40,000 के आसपास हमारा कार पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का कॉस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी अराउंड 40,000 है एंड पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस एंड LLP एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर के अराउंड 40,000। 120 वहाँ गया, 120 हमारा गया, रेस्ट हमारा मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन। चलिए, हाँ इतना ज़्यादा नहीं है, 30% मैं ये बताना चाहता हूँ अनुपम जी। सो हम लोग एक टेक कंपनी है, सारा काम एक्चुअली शोरूम वाले कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ शोरूम के साथ शोरूम को इंटीग्रेट करना है, गाड़ी सर्विस पे शोरूम को देनी है। 5 साल का सर्विस पैकेज हम ले लेते हैं, हमको सिर्फ एक शोरूम को एक सिस्टम देना है। इट्स ए कंप्लीटली टेक प्लेटफॉर्म। कितने शोरूम को इंटीग्रेट किया अभी तक? बैंगलोर में अराउंड 4 से 5 ब्रांच को ये किया। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो गया? नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेट तो वो अभी करेंगे आप? या वो करेंगे। और आपने कोई कैपिटल रेज किया है? हमने आइडिया स्टेज पर 1 करोड़ रेज किया। कितने, कब किया था? जून 2022। और किससे किया था ये? फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वन ऑफ द कार शोरूम डीलर इन्वेस्टर। वैल्यूएशन 10 करोड़ फ्लोर, 40 करोड़ कैश। आपका खुद का तो टेक बैकग्राउंड है नहीं? यस। तो आपकी टीम में कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का बंदा है जो ये कर रहा है? तो लास्ट 5-6 महीने में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड इंजीनियर बन गया हूँ। मैंने खुद कोडिंग सीखी है और खुद अंदर टेक टीम को मैनेज करना। तो क्या प्लेटफॉर्म पे बनाया आपने ये फ्लटर पे? और आपने ये क्लेम किया कि दुनिया में कोई और ये नहीं कर रहा है। यस, ये ट्रू बात है। यस, देयर इज नो प्रोरेटा कार शेयरिंग मॉडल इन द वर्ल्ड। नो, लीजिंग मॉडल है, रेंटिंग मॉडल है और इंडिया को फ्रैक्शनल ओनरशिप चाहिए। तो लेना आपको पेड, आप लेते हो? नहीं, तो मेरा दूसरा प्रॉब्लम है इसका, मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैल्यूएशन का। आप है प्री रेवेन्यू, आप थियोरेटिकल बिजनेस है, तो ये वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता। आपका वैल्यूएशन होना चाहिए 5, 6, 7 करोड़। आप थियोरेटिकल बिजनेस है और आपकी आस्क होनी चाहिए 25 से 50 लाख। ओके, तब जाके एक बेट ले सकता बंदा या कोई भी इन्वेस्टर एज एन अर्ली स्टेज बेट कि एक ट्राई मार सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि थिंकिंग स्ट्रॉन्ग। तो हम 4 करोड़ का ये राउंड कर रहे हैं, 2 करोड़ का कमिटमेंट भी आ चुका है और 26 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म से रेज भी कर लिया इसी राउंड। आउच, दैट डिड इट फॉर मी, यू लॉस्ट मी देयर। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन लीड कर रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। Okay. तो वो ऐसे वैल्यू सेट नहीं कर सकते। सो आई एम आउट मैन, बट गुड वर्क, ग्रेट वर्क। मैं काफी इंटरेस्टेड था अनुपम के साथ, अगर हम लोग दोनों 50-50 या 25-25 लाख रुपए लगाते 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, इससे ज्यादा नहीं, बस 6-7 कह रहे हैं, देन इट इज लाइक कि ठीक है यार, एक पंट ले लिया, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो देन द मनी इज गॉन। 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर आप कंसीडर करेंगे? 5 करोड़, 50 लाख, 25 लाख इक्विटी, बाकी 50 लाख डेट, 14% इंटरेस्ट। बोलो, डन? यस और नो? एनी काउंटर पॉसिबिलिटी? नो नो नो, नॉन नेगोशिएबल। सो 10% की डील है। ओके, तो डील पे के साथ आपने जो LLP वाला दिमाग लगाया वो काबिले तारीफ है, पर बहुत मुश्किल है इसको चलना। नहीं चलेगा इंडिया में, कंज्यूमर माइंडसेट ही नहीं है इसके लिए। I hope you prove us wrong. And now you have two good partners. Yes. देखो यार, किसी ने नहीं सोचा था जो चल गई चीजें इंडिया में, मेरा तो ये मानना है। थैंक्स, चलिए।